फ्रेंड्स नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी ब्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो आज का जो हॉल होने वाला है इट इज अ मिक्स्ड हॉल, वेस्टर्न वेयर है, जंप सूट्स है। स्पेशली आप में से कुछ फ्रेंड्स का मुझे कमेंट आया था, मैसेज आया था मुझे कि मैं थोड़े जंप सूट्स दिखाऊं, दो तीन आए थे तो आई थॉट चलो आज जंप सूट्स इंक्लूड करते हैं। साथ में देयर आर फ्यू स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो मैंने रिसेंटली परचेज किया एंड आई जस्ट लव देम एंड आई वॉज लाइक वेटिंग फॉर द हॉल टू शेयर दैट विथ यू। मेकअप रिकमेंडेशन है, कुछ जो मेरे रीपर्चेजेस है एंड देन यस तो ज्वेलरीज हैं एंड फुटवेयर है, सो बहुत कुछ है। सो कीप वॉचिंग द व्लॉग टिल द एंड, आई एम श्योर कुछ प्रोडक्ट्स आपको पसंद बहुत ज्यादा आने वाले हैं। सो जस्ट अ थिंग दैट आई एम वेयरिंग अ लिपस्टिक जो मैंने आज पहना है वो आपकी वजह से, बिकॉज आप में से एक फ्रेंड का मुझे कमेंट आया था कि दीदी थोड़ा सा लाइट लिपस्टिक पहनो, आप डार्क ज्यादा पहन रहे हो, रेड ज्यादा पहन रहे हो। सो बेसिकली आज मैंने आई मेकअप भी नहीं किया है बिकॉज आई हैड एन इन्फेक्शन, तो मेरा फेस थोड़ा डल लगेगा। पहले मैं सोचा थोड़ा सा ब्राइट लिपस्टिक लगा लेती हूँ, थोड़ा फेस ग्लो जैजअप हो जाएगा, बट देन बिकॉज ऑफ दैट कम आई थॉट चलो लेट अस कीप इट अ लिटिल सटल टुडे। सो और मेरा जो लुक है वेस्टर्न वेयर के साथ उसके साथ भी दिस लिपस्टिक वॉज गोइंग। सो चलिए और बातें नहीं करते हैं, आज का व्लॉग, आज का जो हॉल है उसको यहीं पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रोडक्ट जो जंप सूट है, दिस इज इन दिस एनिमल प्रिंट, ठीक है। सो जब मैंने ये ऑर्डर किया ना, मतलब आई एम नॉट मच इन टू दीज काइंड ऑफ प्रिंट्स, तो आज तक मैंने कभी नहीं खरीदा है, बट आई थॉट यू नो आपने देखा होगा स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, सो मैं चलो ऑर्डर करके देखते हैं, रिटर्न तो हो ही जाता है, कोई इश्यू आता नहीं है। बट आई वॉज सरप्राइज टू सी इसकी फिटिंग, इसका मटीरियल एंड दीज प्रिंट्स डोंट लुक गुड इफ द मटीरियल इज चीप। मतलब अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे प्ले कर दूंगी कि कैसा दिखता है। जब मैंने इसको पहना इट लुक सो नाइस कि मैंने सोचा कि चलो थैंक गॉड मैंने इसको ऑर्डर किया एंड दिस इज समथिंग इन टू माई न्यू इन माई कलेक्शन, समथिंग विच आई हैव नेवर ट्राइड एंड आई एम हैप्पी कि मैंने ये ऑर्डर किया। मटेरियल मैं आपको पास से दिखाती हूँ, दिस इज कम्प्लीटली स्ट्रेचेबल एंड दिस इज फॉर जस्ट 649। सो इफ यू वॉन्ट टू ट्राई जंप सूट, आपने कभी ट्राई नहीं किया इस तरह के प्रिंट्स ट्राई नहीं किया, दिस इज अ वेरी गुड वन टू स्टार्ट विद। मटीरियल इज लाइक दिस, ओके ऐसा, ठीक है, आपको ऐसा पूरा फुल लेंथ का मिल जाता है यहाँ पे। दिस इज अ लिटिल डीप, तो आप चाहो तो अंदर स्पेगेटी पहन सकती हो फिर, एंड इफ यू आर ओके विद अ डीप नेक तो ये आपके नेकलाइन को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, लुक्स वेरी नाइस। सो दे हैव गिवन आपका यहाँ पे एक बेल्ट है इस हिसाब से। नाउ दिस बेल्ट इट इज कम्प्लीटली अप टू यू, आप इसको सामने जो आपका यहाँ पे, जैसे मैंने इसको यहाँ पे टाई किया, यहाँ पे टाई कर सकते हो इफ यू डोंट वॉन्ट दैट यू नो सामने ऐसा बल्ज होता हुआ, आप इसको पीछे ले जाके यू कैन यू नो आगे बांधने की जगह पीछे ले जाके उसको टाई कर सकते हो। इनफैक्ट दिस कैन बी विथ एनी जंप सूट, एनी ड्रेसेस, सो जस्ट टिप जो मैंने दिया एंड दिस इज कम्प्लीटली आपका पूरा ब्लैक है एंड यहाँ पे हल्के से आप देख सकते हो इस तरह के स्टिचिंग है जिसकी वजह से वो आपका हिप एरिया से नीचे इट गिव्स अ वेरी नाइस फ्लो एंड देन पीछे आपको यहाँ पे जिप मिल जाता है, ओके हियर यू हैव द जिप। सो दिस इज माय फर्स्ट परचेज एंड आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड दिस एंड आई जस्ट लव दिस, मटेरियल इज गुड, द प्रिंट इज गुड, लुक्स फैब। ओके कमिंग टू माय नेक्स्ट जंप सूट इज दिस, इसका प्रिंट इज वेरी गुड, आई जस्ट लव द फ्लोरल पार्ट विच गोज विद दिस ब्लैक, बहुत अच्छे कॉन्ट्रास्ट में है एंड फ्लोरल प्रिंट इज समथिंग विच आई लव। ओनली थिंग इज दैट इसका मटेरियल आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ लिटिल बेटर, बट देन यू नो आपको मैं पास से दिखाती हूँ, रुको ऐसा, ठीक है, तो लेट मी जस्ट फोकस, दिस फोकस नहीं हो रहा है, ओके ऐसा, तो थोड़ा सिंथेटिक टाइप मटेरियल होता है ना वो है, बट पहन के लुक इज कमिंग ब्रिलियंट, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द मटेरियल। सो 500 समथिंग का था, उसके हिसाब से दिस इज वेरी वेरी गुड, बट मटेरियल के हिसाब से आई विल नॉट रेकमेंड, बट देन इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस एंड यू आर ओके विद अ मटेरियल, लोअर जो है ना इसका दिस इज नाइस, बट ऊपर का मटेरियल थोड़ा फिलफिला सा होता है ना वैसा है। इस पे वो आपके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे रिव्यूज दिए हैं, बट समहाउ आई थिंक आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट कीपिंग दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, और ऊपर से मुझे इसका जो ये है ना ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, लूज आ रहा है, तो इससे छोटा, सबसे छोटा साइज यही था, इससे छोटा नहीं था। सो या दैट इज अबाउट इट, और इसमें पीछे आपको ऐसा मिल जाता है बांधने के लिए, यू गेट दिस, ओके, और साथ में आपको पॉकेट भी मिलता है दोनों साइड में। सो इसको आप बहुत अच्छे से, इनफैक्ट सारे जंपसूट्स को आप बहुत अच्छे से पैर अप कर सकते हो, यू नो स्टाइल अप कर सकते हो विद दी बेल्ट्स, तो वो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ, पहले मैं जो नेक्स्ट है जंपसूट वो दिखा देती हूँ आपको। नेक्स्ट इज दिस डेनिम का जंपसूट, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद डेनिम एंड द मटेरियल इज जो फ्लोई वाला होता है ना, यू सी लाइक दिस, लवली क्वालिटी, लुक्स वेरी नाइस, परफेक्ट फिट, कम्स विद अ बेल्ट, अगेन बेल्ट आप आगे पीछे कहीं भी बांध सकते हो, हैज अ पॉकेट लाइक दिस,
ओके पीछे ऐसा है. सो दिस इज वेरी नाइस. दिस आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस जंप सूट. और इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो द बटन्स आर समवॉट लाइक दिस. सो प्रॉपर डेनिम क्लॉथ जो होता है वो एंड वेरी इजी ब्रीजी काइंड ऑफ मटेरियल वैसा है. सो दिस इज समथिंग दैट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड. और यहाँ पे आई वुड जस्ट प्ले सो आप देख सकते हो एग्जैक्टली पहन के कैसा आता है. आप वॉक करो तो यू नो यू जस्ट यू अंडरस्टैंडिंग में क्या बोलना चाह रही हूँ. सो वेरी नाइस कंफर्टेबल जंप सूट इफ यू लुकिंग फॉर अ जंप सूट इन डेनिम स्टाइल. These are three belts that I'm sharing today, जो मैंने पहले भी अपने हॉल में दिखाया है. पुराना है ये, so I'm sharing it again because नए काफ़ी friends जुड़ गए हैं. So you can style any of your dress, be your jumpsuit, dresses वगैरह, किसी को भी. broad आते हैं, मैंने आपको एक brown और एक black दिखा रही हूँ. ऐसे narrow भी आता है, इसका भी brown में दिखाया मैंने आपका, इसका black आता है. So you know, बिल्कुल normal dress से changes the entire look of the dress, so you can go ahead with such belts. कमिंग टू नेक्स्ट ज्वेलरी, आपको पता है आई लव दीज काइंड ऑफ ज्वेलरीज एंड मैं मोस्टली ना इस तरह के जो सेट होते हैं वो मंगाती हूँ. सिंगल सिंगल ज्वेलरी 200-250 का पड़ता है और ये इस तरह के सेट भी उसी रेट में आते हैं. सो यू गेट सो मेनी वेराइटीज. और इस तरह के गोल्डन जो ज्वेलरीज है आर वेरी मच इन फैशन राइट नाउ. सो ये है जो मैंने पहना हुआ है राइट नाउ. ओके, तो इससे थोड़ा सा बड़ा ये वाला है एंड दीज आर वेरी लाइट वेट, वेरी लाइट वेट. ये वाला है और दीज आर द प्रॉपर हुप्स. और यहाँ पे ऊपर आपके मेरे यहाँ पे पियर्सिंग भी है, सो आई कैन गो अहेड एंड वेयर दीज एज अ पेयर ऑल्सो. सो दिस इज माय नेक्स्ट जो है परचेज, वो लव इट. और साथ में मैंने जो पहना है इनके भी लिंक्स, मुझे जब भी मैं ज्वेलरी वगैरह कुछ पहनती हूँ तो मुझे उसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं. तो ये जो मैंने पहना है दिस इज अ वॉच विच इज पता नहीं मैंने कितने बार पहना है, कितने बार आपको बोला है जस्ट लव इट. दिस इज द ब्रेसलेट दैट आई एम वेयरिंग. वॉच के साथ इस तरह के ब्रेसलेट पहनो ना तो काफी अच्छा एक स्टाइल होता है, स्टाइल क्रिएट होता है. दिस इज अ रिंग लॉन्ग बैक मैंने खरीदा था, अभी भी आप देखो अभी भी खराब नहीं हुआ है एज इट इज है. एंड दिस इज अनदर रिंग दैट आई एम वेयरिंग. सो यू कैन गो अहेड विद दीज. सो दीज आर फ्यू ज्वेलरी पीसेस. लिंक इट अप, I will link it up in the description box. This is new purchase. These are all which I have been wearing and I just love them. अभी तक उनको कुछ भी नहीं हुआ है. So coming to next is this Fit Me का Maybelline का powder जो मैंने मंगाया था. इतना अच्छा है ना ये, मैंने आज बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं लगाया है तो I can just show you because of the infection in my eye. तो ये मैंने मंगाया था रिसेंटली एंड यू कैन सी द डिफरेंस. फिट में आपको लगा के दिखा रही हूँ. और बाहर से अगर आवाज आ रही है ना तो अनन्या और उसके फ्रेंड्स अब भी जस्ट आए थे शूट के बीच में, अब भी बाहर गए हैं. सो सी द डिफरेंस बिटवीन दिस साइड एंड दिस साइड. और वो मैंने हल्का सा लगाया था इसको, जब आप थोड़ी देर सेट करोगे ना बेक मतलब रख के अगर आप छोड़ दो ना यू विल सी द डिफरेंस. मतलब हल्का कहीं आपको जाना है, आपको ज्यादा वो मेकअप वगैरह नहीं करना है तो आप यू कैन गो अहेड विद दिस, सी द डिफरेंस इन दिस. सो आई लव दिस एंड दिस वॉज रिकमेंडेड टू मी बाय वन ऑफ माई फ्रेंड सोनिका. सो तब से आई हैव बीन यूजिंग दिस एंड दिस इज रियली वेरी नाइस. तो अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो अफोर्डेबल रेंज में समथिंग कॉम्पैक्ट, गुड कॉम्पैक्ट पाउडर विद अ गुड कवरेज, नॉट फुल कवरेज बट काइंड ऑफ कवरेज, सो दिस इज वेरी नाइस. आई थिंक मैं भी लगा ही लेती हूँ वरना एक आंख मेरी काली और एक आंख छोटी और एक आंख बड़ी दिखेगी. सो डेफिनेटली रिकमेंड दिस. लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मेरा जो वो है नंबर इसका जो नंबर है जो मुझे सूट करता है मेरे स्किन को, दैट आई विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई थिंक नाउ बोथ द आईज लुक सेम. यस, नेक्स्ट इज ये पूरा सेट जो है लिप पेंसिल का. ये मैंने पहले भी शेयर किया है, दो तीन खो गए तो मैंने नया मंगा लिया था. इसमें आपको सारे कलर्स मिल जाते हैं, बी इट एनी कलर. इनफैक्ट अगर आप लिपस्टिक नहीं लगाओ डायरेक्ट इनको भी लगाओ ना, दे वर्क परफेक्टली फाइन. और मैंने इनको यूज किया है बेसिकली यू नो जब लिपस्टिक लगाते हैं तो चारों तरफ अगर आप इसको बाउंड्री लगाते हो ना तो लिपस्टिक ब्लीड आउट नहीं करता. लेट मी शो यू वन कलर, जैसे ये है ठीक है, तो मैं इसको लगाती हूँ ऐसा. पिगमेंटेशन इज टू गुड, आप इसको ऑल अलोन भी लगा सकते हो. सो यू अप्लाई लाइक दिस, तो लिपस्टिक जो है ना वो आपका निकलता नहीं है, सही जगह पे टिका रहता है, काफी अच्छा है. मैं इसका पिगमेंटेशन दिखाती हूँ आपको. ओके, ये देखो इसका पिगमेंटेशन. मैं दो तीन कलर्स आपको हाथ में लगा के दिखाती हूँ. ओके, ये थोड़े से कलर्स है जो मैंने आपको यहाँ पे लगा के दिखाने का ट्राई किया है. सो यू कैन सी सारे लाइट कलर्स आपकी, ये जो रेड है दैट इज देयर, पिंक इज देयर, ब्राउन, न्यूड, पीची लाइट पिंक जो कलर है वो पीच कलर, ऑल द कलर्स आर देयर. सो इफ यू वॉन्ट you know we don't want to spend too much on lipstick. और ये बहुत सस्ता आता है, मुझे इसका प्राइस एक्जैक्टली याद नहीं, लेट मी जस्ट चेक. ओके, सो दिस इज फॉर 560 समथिंग का दिखा रहा है अभी. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इफ यू लुकिंग फॉर पेंसिल, लिप पेंसिल इंडिविजुअल ना लेके बाय दिस सेट. सारे कलर्स हैं इसमें, यू गेट ऑल द कलर्स, ऑल कलर्स आर कवर्ड. द प्रोडक्ट
इतने सारे आपको शेड्स मिल जाएंगे एक ही में, सारे ब्लशेज आर देयर, 300 समथिंग का है एंड आई लव इट एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड. लुक एट इट्स पिगमेंटेशन, मैंने अभी फिलहाल भी वही लगाया हुआ है. मैं हल्का सा लगा के दिखाती हूँ, एक साइड में दूसरी साइड में भी कर देती हूँ ताकि ज्यादा ओके आई हैव बिकम अ क्लाउन राइट नाउ. एनी वेज मैं आपको उसको स्वॉश करके दिखाती हूँ. सो बेसिकली यू गेट दिस डार्क से लाइटर कलर, आपको जैसा भी आपको ब्लश चाहिए, प्लस यू गेट दिस शिमर. ओके तो मैं आपको शिमर दिखाती हूँ लगा के हाथ में. वेट लेट मी जस्ट शो यू, लुक एट द पिगमेंटेशन. ओके मैंने कौन सा लिया, आई डोंट नो. ओके ये रहा एंड हियर आप देख रहे हो, जस्ट लुक एट द शिमर. ओके और ये जो शेड्स हैं ये भी दिखा देते हैं आपको, ये वाला है डार्क वाला, देन दिस इज द लाइट वन. थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे लगाते जगह ही नहीं है, एंड दिस इज द पीची वाला. ओके थोड़ा सा इसको हम ब्लेंड करके दिखाती हूँ आपको सो दैट यू गेट एन आइडिया. ओके वेट सो लाइक दिस. सो सब कुछ आपको इसी में मिल जाता है. इनफैक्ट इसको आप एज अ हाईलाइटर ना यूज करके यू नो यू कैन ऑल्सो अप्लाई इट ऑन योर आईज. कंप्लीटली डन, चीक और आई आपका सॉर्टेड हो जाएगा 300 रुपए में. सो यस दिस इज वन प्रोडक्ट आई हैव बीन यूजिंग, दिस इज नॉट अ न्यू परचेज, बट सिंस मैंने वो लिपस्टिक का दिखाया तो आई थॉट कि मैं आपके साथ वो भी दिखाऊं जो यू नो बहुत सारे आपको पैसे स्पेंड ना करके वॉन्ट टू स्पेंड वेरी लेस एंड गेट यू नो बहुत सारी चीजें, जैसे इसको आप आईज के ऊपर चीक्स पे भी लगा सकते हो. सो आई थॉट आई विल शेयर दिस बिकॉज दिस इज ऑल्सो समथिंग आई लव एंड यस आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस. नेक्स्ट आर दीज टू प्रोडक्ट, दिस मस्कारा आई कांट एक्सप्लेन कि मैं इसको कितना प्यार करती हूँ. जब से ये आया आई हैव बीन अप्लाइंग दिस. मैंने लास्ट जो हॉल वीडियो डाला था उसमें भी मैंने यही लगाया हुआ था. आप में से एक फ्रेंड का क्वेश्चन आया था कौन सा मस्कारा है, सो आई थॉट आई इंक्लूड दिस इन माई टूडेज वीडियो. सो ये खत्म होने वाला है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेज इट अगेन एंड दिस इज माई सेकेंड या थर्ड परचेज आई गेस. तो लव इट बहुत, मतलब अच्छे से. मैंने एक शॉट लिया था जब मैंने मेकअप किया था उस टाइम का बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर दिस इन द हॉल. अभी तो मैंने लगाया नहीं है बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन. तो आप जस्ट इसको थोड़ा सा बिल्डअप करोगे ना, एक दो लेयर लगाओगे, आपके आईज आपको लगेगा नहीं कि आपको कभी फेक आई लैशेज की जरूरत है. दिस इज दैट गुड. सो डेफिनेटली अगर आप यू नो लुकिंग फॉर अ गुड मस्कारा अफोर्डेबल रेंज में, गो अहेड विद दिस, दिस इज वेरी नाइस. ओके ये मैंने क्यों पकड़े हुए हैं, दीज आर द ब्रशेज दैट आई वुड लाइक टू शो यू. दीज वर फ्रॉम स्विस ब्यूटी का पूरा सेट आया था. अगेन दिस इज फॉर दोज हु डोंट हैव अ ब्रश या फिर यू नो डोंट नो कि क्या ब्रश लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए. यू आर स्पेंडिंग 700-800 ऑन वन ब्रश. इंस्टेड ऑफ दैट यू गेट दिस एंटायर सेट. इसमें और भी ब्रशेस थे, मेरे खो गए हैं. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रीपर्चेज दैट बिकॉज जैसे देख रहे हो ना आप, इसमें रेड कलर हो गया, मुझे ये चाहिए होता है ब्लश के लिए, एक चाहिए होता है ये पाउडर वगैरह के लिए, एक चाहिए होता है थोड़ा यू नो आपके फाउंडेशन के लिए. सो फिर दो एक आध ब्रश और होंगे ना तो इट विल बी ईजी एंड एकदम से हो तो बार बार इसको वॉश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट ब्रशेज नीड्स टू बी वॉश ना, तो ताकि वो हाइजीन मेंटेन रहे आपका. वेरी नाइस ब्रशेज. और ये मैंने अपने पता नहीं किसी तो हॉल में दिखाया था एक डेढ़ साल पहले, दो साल पहले, आई डोंट नो, तब से यही ब्रशेज आई हैव बीन यूजिंग एंड यू कैन सी इनके ब्रिसल्स वगैरह कुछ खराब नहीं हुए हैं. सो डेफिनेटली मैं इनका नया परचेज करने वाली हूँ. एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड अफोर्डेबल ब्रश का सेट, डेफिनेटली गो अहेड विद दिस. लुक्स ऑल्सो वेरी नाइस, देखो मतलब बहुत अच्छा लगता है, पैकेजिंग में भी बहुत अच्छा आता है. सो दिस इज वेरी नाइस, गो अहेड विद दिस इफ यू लुकिंग फॉर अ ब्रश. सो नेक्स्ट है ये हील्स जो मैंने मंगाए हैं, दीज आर फ्रॉम द ब्रांड मार्क लॉयर करके है. इसका मैंने पहले भी मंगाए हुए हैं, वेरी कंफर्टेबल सैंडल. तो मुझे ना कुछ सिल्वर या गोल्डन उसमें चाहिए था बिकॉज फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं. काफी अच्छा था बट ये थोड़ा सा ना पीछे मुझे ऐसा लग रहा था कि ना जगह छूट रहा था, तो आई वॉज नॉट श्योर कि मैं उसको रखूँ कि नहीं रखूँ. क्वालिटी वाइज गुड, कंफर्टेबल. एक और चीज़ थी इसमें, जो मेरा पैर था ना, द सैंडल इज लिटिल नैरो, तो लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा पैर बाहर निकल रहा था. सो इफ यू हैव अ नैरो फीट एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस. पर मेरे साइज में आई थिंक थोड़ा सा बड़ा था ये. कमिंग टू टू स्किन केयर रिकमेंडेशंस, रुको मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ. दिस कम्स इन लक्स, आपका जो लग्जूरियस ब्रांड होता है उसमें. तो आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ ट्राई बिकॉज ऑफ इसका पैकेजिंग और इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे. सो इसमें बहुत सारे फ्रेग्रेंसेज अवेलेबल है. दिस इज बेसिकली अ बॉडी क्रीम विच आई हैव ऑर्डर्ड. दे हैव एंटायर रेंज आपका स्किन केयर में है, उनका फ्रेग्रेंस में है, एवरीथिंग. कैंडल भी आई गेस दे हैव. सो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस. इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे. इसकी खुशबू जैस्मिन जैसी है. जब ये आया, जिस पैकेट में आया, इसकी खुशबू, ओ गॉड, मतलब आप किसी 5-स्टार लग्जूरियस होटल में जब आप जाते हो, वहां पे जो जैस्मिन का एक फ्लेवर फ्रेग्रेंस यूज होता है ना, इसको जैसे मैंने लगाया ना, इट वाज दैट फ्रेग्रेंस. इफ यू लाइक जैस्मिन, ये देखो इतने इजीली ब्लेंड हो जाता है आपके स्किन में.
एंड मतलब नहा के निकल के मैंने जब एक दो दिन लगाया ना, माय डॉटर शी इज 10 इयर्स ओल्ड, तो वो दूसरे रूम से आई उधर, मामा आपने क्या लगाया इतना खुशबू, बिकॉज उसको ना ये सब चीजें ट्राई करने में बहुत अच्छा लगता है ना, शी इज इनटू दैट एज जब उसको ऐसा लगता है कि क्या आया है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई वो खुशबू वगैरह. सो शी केम रनिंग, मामा आपने क्या लगाया है. सो मतलब दूसरे रूम तक इसकी खुशबू आती है एंड इट स्टेज फॉर सम टाइम. आई वॉन्ट से मतलब 4-5 घंटा स्टे होता है. इट्स अ मॉइस्चराइजर. काफी रिव्यूज थे इसके कि स्मेल थोड़ा स्ट्रांग है. यस, इनिशियली जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो स्मेल हल्का स्ट्रांग है, बट इवेंचुअली 10-15 मिनट बाद इट सेटल्स डाउन एंड दैट सटल जैस्मिन लग्जूरियस वाला, अच्छी क्वालिटी वाला जो जैस्मिन के फ्रेग्रेंसेस होते हैं ना, मतलब मैं बिल्कुल ओवर एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ. यू हैव टू बाय दिस प्रोडक्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नहीं ट्राई किया है ना तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एक बार जस्ट गिव इट अ ट्राई मेरे कहने पे इफ यू लव दिस फ्रेग्रेंस. बाकी इसमें और भी बहुत अलग अलग खुशबू में यू नो क्रीम्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो. और आप में से किसी ने अगर ये ऑलरेडी यूज किया है लेट मी नो, आई वुड डेफिनेटली लव टू नो आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इसमें. तो सिमिलर इसका पैकेजिंग इतने अच्छे में आते हैं ना, एक गिफ्ट मैंने अपने एक फ्रेंड को भी दिया था. So definitely a very good try pakka karna if you something new you want to try na, try this. Okay, next is this is something bath oil is something which I have never tried. Maine matlab moisturizers use kiye hain, perfumes use kiye hain, different creams and everything I have tried, but bath oil I wanted to try but I was not sure ki bahut zyada, because oil is what you know, aap jab lagate ho to you feel ki matlab kahin kapdon pe na aaye, you know idhar udhar kahin aap baithte ho to wo waisa feel na aaye, but so I wanted to go ahead with a good brand, so I got this from Forest Essential. And I would definitely suggest this. ये एक इसमें ना बहुत सारे फ्रेग्रेंस हैं. There is this rose, there you have different other fragrances. But ये जो ये है Mashobra honey and vanilla. इसका मैंने moisturizer Forest Essential का use किया हुआ है. And vanilla is something which is my kind of fragrance which I like. So I thought कि let me just go ahead with that. Let me not experiment because थोड़ा expensive है Forest Essential. इज अ लग्जरी ब्रांड, थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है बट द प्रोडक्ट्स आर वर्थ इट. आई हैव बीन यूजिंग देयर सनस्क्रीन लोशन एंड आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स मैंने आपके साथ वो उसके रिव्यूज शेयर किए हैं. आई हैव रिकमेंडेड दैट बिकॉज आई जस्ट लव दैट प्रोडक्ट. सो आई गॉट दिस द फ्रेग्रेंस विच आई सेड द वनीला वन एंड यूजिंग इट सिंस 3-4 डेज. लवली, जैसा इसका लोगों ने रिव्यूज लिखा था बिल्कुल ट्रू टू इट्स रिव्यूज. बिल्कुल हल्का सा आपको लगाना होता है. ओके, नहाने के बाद व्हेन यू आर डैम्प ऑन योर डैम्प बॉडी यू नीड टू अप्लाई इट. तो बेसिकली बाथ जो आपके बाथ के जो ऑयल्स होते हैं, व्हाट दे डू इज दे लॉक द मॉइस्चर इन योर स्किन. ओके, सो आपका स्किन सटल रहता है, सपल रहता है एंड द फ्रेग्रेंस इट स्टेज फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. मैंने सुबह नहाया था, इट वॉज टिल आफ्टरनून, इवन आफ्टर कुकिंग फूड आई कुड यू नो हाथ को स्मेल करके आई कुड हैव दैट स्मेल. सो बहुत अच्छी इसकी खुशबू है. इनिशियल अगेन द स्मेल जब आप इनिशियली लगाते हो ना, इट इज काइंड ऑफ थोड़ा स्ट्रॉन्ग आपको लगेगा, बट इवेंचुअली अगेन दिस यू नो थोड़ा लो हो जाता है, थोड़ा सटल हो जाता है एंड यू स्मेल आपको खुद से ही खुशबू आती रहती है. सो दिस इज समथिंग आई हैव ट्राइड न्यू, आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू. सो इन केस यू हैव नॉट ट्राइड और एल्स इफ यू हैव ऑलरेडी ट्राइड, लेट मी नो कौन से ब्रांड का ये यूज किया है, तो लेट मी नो अबाउट दिस. कुछ और यूज किया है तो वो भी बताना. आई वुड ऑल्सो लव टू यू नो ट्राई फ्यू अदर ब्रांड्स के बाद ऑयल्स ऑल्सो, सिंस दिस इज माई फर्स्ट, वुड लव टू एक्सप्लोर मोर. सो येस, इसका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का जो हॉल था वो. आई ट्राई टू शो थोड़े अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स प्लस थोड़े से एक्सपेंसिव बट वर्थ द मनी. सो आई रियली होप इट वॉज यूजफुल एंड हेल्पफुल. सो चलिए, आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड करती हूँ. सी यू अगेन अंटिल नेक्स्ट टाइम. टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ. एंड येस, आई वुड लव टू नो आपको किस तरह के हॉल्स और लगते हैं. जैसे आज आई गॉट यू नो थोड़े रिक्वेस्ट आए थे जंपसूट्स को लेकर, सो आई शोड दैट टू यू. लेट मी नो दीज हेल्प मी ऑल्सो कि भाई आपको क्या पसंद आता है, तो उस हिसाब से आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर हॉल्स. तो चलिए, यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ. बाय.